दिव्य ज्योति जागृति संस्थान स्वामी अर्जुनानंद आज के प्रेस वार्ता करने का हमारा लक्ष्य ये है 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रामलीला मैदान जनपद बलिया में सुनिश्चित की गई है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की सातवीं शिष्या विश्वविख्यात भागवताचार्य भागवत भास्कर पद्मस्था भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। इस कथा के माध्यम द्वारा जनमानस को यह संदेश देना हम चाहते हैं कि यूं तो कथा वार्ता पूरे देश में विभिन्न प्रकार से हो रही हैं, परंतु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस कथा के माध्यम द्वारा भगवान भक्ति का सही मार्ग क्या है और जनकल्याण हेतु ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है और ध्यान और साधना के माध्यम द्वारा विश्व कल्याण कैसे होता है, इसके विषय में भी बताना है। क्योंकि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, जब वो किसी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं त्रिकुट के मध्य में दिव्य नेत्र खोल करके ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं, जिसके माध्यम द्वारा मनुष्य मन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। भारत के 40 जेलों में हीनियस क्राइम करने वाले ऐसे कैदी जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, पूरे भारत में हजारों लाखों लोगों ने नशा को छोड़ा है इस ज्ञान की साधना के माध्यम द्वारा, बच्चों में संस्कार कैसे दिया जाए, शिक्षा और दीक्षा की समाज को आवश्यकता है, उक्त विषयों को लेकर के पूज्य कथाव्यास जी बलिया में प्रथम बार उनके पावन चरण पढ़ेंगे और व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के प्रत्येक दिन एक एक सोशल इश्यू को उठाएंगे और समाज कल्याण के लिए कार्यक्रम होगा, देश हित में ये कार्यक्रम होगा। ये जब आपके जैसे कहते हैं आप इतने महान कथा पढ़ने जा रहे हैं और आज युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? हम युवा पीढ़ी को ये कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी संस्कार के कारण भटका है। शिक्षा पद्धति जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको प्राप्त न करने के कारण भटका है। युवा अधिकतर नशा करने लगा है, अश्लील चलचित्रों में बद गया है, इसलिए उसके संस्कार खराब हो रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी सनातन वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान के माध्यम द्वारा युवा पीढ़ी को भी सुधारने का कार्य करते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है युवा परिवार सेवा समिति, जो युवाओं के लिए कार्य करती है और जब युवाओं को सत्संग मिलता है, ज्ञान दीक्षा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी ध्यान साधना के माध्यम द्वारा उन युवाओं में भी परिवर्तन आता है, वो नशा छोड़ने लगते हैं, गलत कार्यों को छोड़ करके एक सही मार्ग आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सराहनीय कार्य कर रहा है। ये तो क्या आपका बलिया में कार्यक्रम क्या कहते यूँ तो बलिया में पिछले 15 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल में ऐतिहासिक रूप में प्रथम बार बलिया में यह भागवत होने जा रही है और इस कथा रामलीला मैदान जनपद बलिया दिनांक 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ये कथा होगी और इस पर श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या साध्वी पद्मस्था भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगे और इसमें भव्य एक कलश यात्रा भी निकलेगी, जो ये कलश यात्रा रामलीला मैदान के रामलीला मैदान से होकर के शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ये कलश यात्रा जाएगी और उसके बाद पुनः रामलीला मैदान में ये वहाँ पर पहुँचेगी। इसका इसको जरा ये कथा जो है ना रामलीला मैदान से नया चौक चवन बाग गुदरी बाजार काशिम बाग रेलवे स्टेशन होते हुए वापस कथा स्थल पर समाप्त होगी। हम कथा और कलश यात्रा के माध्यम द्वारा, कलश वैसे बहुत शुभ माना जाता है
और कलश यात्रा के माध्यम द्वारा हमारी भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कलश को स्थापित किया जाता है। और यहाँ प्रत्येक जो देवियाँ हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएँ अपने सर पर कलश लेकर के जब पूरा नगर भ्रमण करेंगे, इससे हमारी भारतीय संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है। मेरा नाम श्याम बाबू, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल बलिया हूँ मैं। किस तरह का ये आपको जी ये प्रेस वार्ता कथा के संबंध में है? एक बहुत ही बड़ा कथा का आयोजन होने जा रहा है। हम लोग इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं और मन में यह अभिलाषा था कि इतना बड़ा आयोजन कैसे बलिया में हो। बलिया के लोगों के बारे में हम लोग बहुत पहले से ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन बलिया के लोग किस तरह से अच्छे माहौल पैदा हो, किस तरह से काम हो, अच्छे लोग अच्छे संस्कार मिले, इसलिए हम लोग लगे थे। और महाराज जी कृपा से प्रयास करने के बाद ये बहुत ही आयोजन हम लोग को मिला हाथ में कथा के माध्यम से। सर, श्री अविनाश जी महाराज जी ने 1984 में इसकी स्थापना रखी थी जी, और जब से आज तक आपको जीवन जीने को कैसे करा जा रहा है जी। और जो देखा गया कि आप लोग संस्था ने बहुत अच्छा काम जो शुरू किया है कि नेत्रहीनों को या जो दिव्यांग हैं उनको रोजगार मुहैया कराना, सिर्फ डिपेंड होना सिखा रहे हैं आप लोग, आपकी संस्था ने तो काफ़ी रिकग्नाइज हो चुके हैं आप लोग, तो भारत सरकार की मंशा के अनुरूप आप लोग काम कर रहे हैं। कितने संस्था और आप अभी तक कितने ब्रांचेज और हो चुकी हैं आपकी? 365 संस्था में काम हो रहा है, ये ब्रांचेज हैं। बोलिए, मेरा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये रामलीला मैदान में 14 मार्च से 20 मार्च तक कथा का आयोजन हो रहा है। कथा में क्या क्या चीज़ें हैं? कथा में सिर्फ कथा ही नहीं होगा, श्रीमद् भागवत कथा का ही वर्णन कथा नहीं होगा, कथा के साथ साथ प्रतिदिन समाज की विभिन्न बुराइयाँ, जैसे कन्या भ्रूण हत्या हुआ, समाज में नशा के ऊपर हुआ, इस तरह के कार्यक्रम के बारे में भी हर रोज अलग से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे बलिया के लोग इससे लाभान्वित होंगे। सर, मेरा जाना कि नशे की वजह से बहुत सारे युवा उसमें ढूंढते चले गए, नशे का और जिस मोक्ष को ढूंढते हैं वो भी मोक्ष मिले बता बर्बादी होती है। तो आपका मूल जो उद्देश्य है नशा मुक्ति, देश से नशा मुक्त करना चाहते हैं जी, तो अब तक कितने लोग आपकी संस्था के थ्रू नशा मुक्त हो पाए जी? इसके संबंध में अभी कल हम लोग जो है संस्था के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम कोतवाली में कल हुआ, उसमें सारे लोग जो प्रशासन के लोग से उनसे भी इस तरह का वचन लिया गया कि आप लोग भी देश के जो है समाज को सुधारने का काम करते हैं, आप लोग भी इस तरह के काम में पार्टिसिपेट करें, तभी सारे लोग जब तक नहीं मिलेंगे एक साथ तब तक ये इस मुहिम से सिर्फ नशा का भगाया हटाया नहीं जा सकता। प्रकाश सिंह, बलिया का ही रहने वाला हूँ और मैं BHF फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ, जिसको हम लोग 9 साल से कंपनी को चला रहे हैं, है ना। तो बलिया में आप लोगों द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं हमको? देखिए, ये हमारे यहाँ जो है महाराज जी के तरफ से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तरफ से एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, जो कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये सुनने का अवसर मिला है। और इस कथा के माध्यम से हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी नशा की तरफ बढ़ती जा रही है, संस्कार विहीन होती जा रही है, है ना, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी युवा पीढ़ी है उन लोगों को एक अच्छी सीख देने का प्रयास, उनको एक अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास हम लोग करना चाहते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कथा के माध्यम से। कितने दिन तक चलेगा ये कथा? 14 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी, 7 दिन की कथा है। और इसी बीच में शुरू में ही कलश यात्रा भी निकलने वाली है, जो कि 9 बजे से शुरू होगी, है ना। तो हम चाहेंगे कि बलिया के सभी भक्तजन, सभी हिंदू भाई, सभी लोग इस कथा में शामिल हों, अधिक से अधिक लोग आकर के हमारी कथा का श्रवण करें, सहयोग करें, क्योंकि ये कथा आप लोगों के लिए है, पूरे बलिया वासियों के लिए है, सभी ग्रामवासी, जिलावासी, सबके लिए है। हम लोग तहे दिल से चाहते हैं कि आप सब लोग इस कथा में शामिल हों, सब परिवार शामिल हों, हमें बहुत खुशी होगी। और हम सभी लोग इस कथा को बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, क्योंकि ये कथा दूसरे के लिए नहीं, हम आप सभी लोगों के लिए हो रही है।